Hello and welcome to the class 10th online food production classes. And in this video we will be discussing unit number 6 sandwiches from the food production book from CBSE. And what are the objectives of this unit? To learn about the sandwiches. जो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम इसको पढ़ने के बाद क्या समझेंगे कि एक तो सैंडविचेस होते क्या हैं, टू अंडरस्टैंड द सैंडविचेस यानी जो सैंडविचेस हैं उनको समझेंगे, टू लर्न द पार्ट्स ऑफ सैंडविचेस ये जो सैंडविच है उनके क्या पार्ट्स होते हैं, टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस कि कितने टाइप के सैंडविच होते हैं, एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैनेप्स कि कैनेप्स होता क्या है. देन इंट्रोडक्शन. A sandwich can be defined as a type of food placed between the slices of bread. ये sandwich क्या होता है? एक type का food है जिसमें जो food material होता है वो दो slice जो होती हैं bread के उनके बीच में रखा जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं sandwich. ठीक है, यानी bread की दो slice लीजिए और उसमें जो food material है like potatoes या tomatoes, vegetables या और बहुत सारा जो stuff होता है उसको अगर हम fill कर देते हैं उसके बीच में तो उसे हम बोल देते हैं सैंडविच. इन द केस ऑफ सैंडविच द ब्रेड्स वर्क एज अ रैपर टू सम ऑफ फूड टू. इस सैंडविच के केस में क्या होगा कि जो ब्रेड्स होती हैं वो एक रैपर की तरह से काम करती है. रैपर मतलब एक खोल की तरह से जिसके अंदर हम फूड को फिल कर सकते हैं. सो मैनी वेरिएशंस ऑफ सैंडविचेस आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में बहुत सारी जो सैंडविचेस की वो अवेलेबल है. वी कैन से दैट द सैंडविच इज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर टेक्सचर फ्लेवर एंड अपीयरेंस टू. हम ये भी कह सकते हैं कि जो सैंडविच है वो एक परफेक्ट बैलेंस है टेम्परेचर का, उसके टेक्सचर का यानी जो दिखाई देता है बाहर से, उसमें जो फ्लेवर है स्वाद जो होता है और उसको दिखने में कैसा होता है, वो सब एक परफेक्ट बैलेंस में होता है सैंडविच के अंदर. सो अ सैंडविच कैन बी हॉट एंड कोल्ड, क्रंची एंड चीवी, सिंपल एंड करेक्ट एक्सेट्रा. तो एक सैंडविच जो है वो गर्म या ठंडा भी हो सकता है. क्रंची मतलब कुरकुरा हो सकता है, चीवी मतलब एक रबरी टाइप है जो हम चीज के यानी चीज वगैरह अगर फिल कर दे तो चीवी टाइप हो जाता है, सिंपल भी हो सकता है और करेक्ट भी. ठीक है, और हम जानते हैं कि जो सैंडविच है वो ब्रेकफास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज्यादातर ये फास्ट फूड के अंदर कंसिडर किया जाता है. जब टाइम नहीं होता तो सैंडविचेस बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं. उसके अंदर आप सबने भी खाए हैं बहुत बार ये, और अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. तो देखते हैं कि एक सैंडविच में क्या पार्ट्स होते हैं. तो पार्ट्स ऑफ सैंडविच, द फर्स्ट पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इज द रैपिंग अराउंड द फूड मटेरियल ऑफ ब्रेड. ठीक है, जो ब्रेड होती है वो रैपिंग की तरह से काम करते हैं. तो ब्रेड सबसे पहला पार्ट है किसी भी सैंडविच का और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. द वेरियस टाइप ऑफ ब्रेड्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सैंडविच. बहुत सारे तरीके के जो ब्रेड्स हैं वो भी बहुत सारे तरीके की होती हैं और वो सैंडविच बनाने का लिए यूज होती हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रेड आर, कुछ एग्जांपल्स जो ब्रेड के हैं वो कौन सी हैं, फ्रेंच ब्रेड, पीटा ब्रेड, फोकेसिया ब्रेड, पानीनी ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, राई ब्रेड एटसेट्रा. इन सब के अंदर जो कंपोजिशन होता है बनाने का वो अलग अलग होता है. कुछ मीठा, कुछ अलग से टेस्ट मिलेगा हमें इसमें. तो ये सब टाइप की ब्रेड्स होती हैं. द ब्रेड यूज्ड फॉर सैंडविच मेकिंग शुड नॉट बी मोर देन 12 आवर्स ओल्ड. और जो ब्रेड हम सैंडविच बनाने के लिए यूज करते हैं वो 12 घंटे से पहले ही नहीं होनी चाहिए, यानी फ्रेश होनी चाहिए. ज्यादा पुरानी अगर होगी तो उसका जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है. जो ब्रेड है हमने देखी भी है कि बहुत जल्दी से खराब हो जाती है. सो वेरी फ्रेश ब्रेड विल बी सॉगी. अगर बिल्कुल फ्रेश ले ली हमने तो वो चिपचिपी सी हो जाती है. द ब्रेड यूज फॉर सैंडविच मेकिंग शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर बट अवे फ्रॉम हीट. और जो ब्रेड हम सैंडविच के लिए यूज करते हैं उसे हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और हीट से वो दूर रहना चाहिए. यानी हीट जितनी ज्यादा उसके ऊपर लगेगी उतना ज्यादा खराब होने के चांसेस होंगे. देन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज स्प्रेड. द स्प्रेड इज वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सैंडविच. जो स्प्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सैंडविच का.
It will act as a sealing material for the sandwich to avoid it from becoming soggy. तो जो स्प्रेड है वो एक सीलिंग मटेरियल की तरह से काम करता है ताकि जो ब्रेड है वो सॉगी ना हो जाए. ठीक है. इट एड्स फ्लेवर टू द ब्रेड एंड ऑल्सो एक्ट एज अ मॉइस्टनिंग एजेंट इन सैंडविचेस. ये फ्लेवर भी ऐड करता है ब्रेड को और ये मॉइस्टनिंग एजेंट की तरह से भी काम करता है सैंडविच में. सम ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ द स्प्रेड्स, कि कुछ जो एसेंशियल्स हैं स्प्रेड के वो क्या होते हैं. इट शुड बी सॉफ्ट, कि क्या होना चाहिए कि वो सॉफ्ट होना चाहिए. तो जो भी हम स्प्रेड यूज करें सॉफ्ट होना चाहिए, स्प्रेडेबल होना चाहिए. ठीक है, ताकि हम उसे आसानी से फैला सके. विद रिच माउथ फील एक्सेट्रा. ठीक है, ताकि हम उसको महसूस कर सके. दे शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, उनका स्टोरेज बहुत सही से होना चाहिए. टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स आर, अब स्प्रेड्स के टाइप कौन कौन से हैं. हम बटर यूज कर सकते हैं, जैम यूज कर सकते हैं, मार्मेलेड्स यूज कर सकते हैं, मायोनीज यूज कर सकते हैं, चटनीज टू एक्सेट्रा, ये सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर. तो इसमें जो स्प्रेड्स हैं वो आप बटर, जैम, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, तो ये तो आपने सुनी है. तो एक मार्मेलेड्स होता है, तो मार्मेलेड्स क्या होते हैं, ये हम एक फ्रूट प्रिजर्व बनाते हैं. ठीक है, जो जूस से बनता है या जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके पील से बनता है, यानी जो खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनसे बनता है. तो बनाने का तरीका क्या है इसका, कि हम जो फ्रूट जूस वगैरह होते हैं या पील होता है उसको हम शुगर और वाटर के साथ में बॉईल कर लेते हैं, तो उससे मार्मेलेड्स बनते हैं. सेकंड जो सबसे ये ऑड वर्ड है वो मायोनाइज है. तो मायोनाइज क्या होता है, ये थिक कोल्ड सॉस होता है. इसको बनाने का क्या तरीका है, कि इसमें ऑयल होता है, एग जो योक होता है, येलो पार्ट होता है एग का वो होगा, और इसके अलावा कोई एक एसिड होती है, या तो विनेगर होता है या लेमन जूस होता है इसके अंदर. तो इन सबको हम ऐसे स्प्रेड की तरह से यूज कर लेते हैं और ये आसानी से स्प्रेड आउट भी हो जाते हैं ब्रेड की सरफेस के ऊपर. जो थर्ड पार्ट आता है सैंडविच का वो है फिलिंग्स. यानी हमने क्या किया, ये आउटर जो सबसे पार्ट था वो ब्रेड थी, फिर हमने स्प्रेड लिया. स्प्रेड करने के बाद अब हमारे पास क्या आती है, उसमें फिलिंग्स आती है, यानी कि हम अंदर क्या फिल करते हैं. ये जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये फिगर दिखा रखी है, यानी जो फोटो दिखा रखी है, उस फोटो के अंदर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और जो फूड स्टफ्स हैं. ठीक है, अलग अलग वेराइटीज हैं. तो द पर्पज ऑफ द फिलिंग इज टू प्रोवाइड फ्लेवर, बॉडी, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीटनेस इन द सैंडविचेस. यानी जो फिलिंग का पर्पज है वो क्या होगा, कि एक तो फ्लेवर प्रोवाइड करना है यानी स्वाद देगा, बॉडी बोले जाता है, मॉइस्चर उसी से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके अंदर से, और जो कंप्लीटनेस है वो फिलिंग से ही पूरी होती है किसी भी सैंडविच की. सो डिफरेंट टाइप ऑफ फिलिंग्स कैन बी यूज्ड एज बीफ, पोर्क, लैम, फिश, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डक, टर्की एक्सेट्रा. और जो अलग अलग तरीके की फिलिंग्स हैं इसके अंदर वो क्या हो सकती है, जैसे बीफ है यानी ये मीट होता है किसी भी कैटल से, पोर्क जो होता है वो मीट होता है फ्रॉम द पिग, लैम जो होता है वो एक तरीके की भेड़ होती है एक साल से कम उम्र जिसकी होती है, तो फिश कॉमन है, एग्स, फ्रूट, वेजिटेबल, डक यानी बत्तख, और टर्की एक तरीके का जो मुर्गे जैसा जानवर होता है जो ज्यादातर अमेरिका में पाया जाता है. तो इन सबके जो मीट है उससे इसके बीच में क्या कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं. द फिलिंग हैज टू बी 1/3 ऑफ द सैंडविच कंट्रीब्यूशन. अब फिलिंग का एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो भी सैंडविच है उसमें 1/3 जो पार्ट है वो फिलिंग का होना जरूरी होता है. सो द फिलिंग विल बी ऑलवेज फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड नो मीट विद बोन कैन बी यूज्ड इन द सैंडविच. और जो फिलिंग है वो हमेशा फ्लेवर से भरी हुई होनी चाहिए, और कोई भी जो मीट है, जो मीट हम यूज कर रहे हैं उसमें बोन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, अगर हम उसे सैंडविच के अंदर फिल कर रहे हैं, यानी वो बोनलेस मीट होना चाहिए. इसके अलावा वेजिटेबल्स फिल की जा सकती है, फ्रूट सैंडविच बनते हैं, बहुत सारे सैंडविचेस होते हैं. तो इसमें क्या है, वो रेसिपीज में आ जाता है सैंडविचेस की. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैंडविचेस, की सैंडविच के टाइप क्या होते हैं. The different type of sandwiches are following. There are two type of sandwiches, cold open sandwich and closed cold closed sandwich. यानी cold sandwich है, एक open sandwich होता है और एक
क्लोज सैंडविच होता है। तो कोल्ड ओपन सैंडविच क्या होगा कि कोल्ड ओपन सैंडविच कैन बी मेड फ्रॉम द सिंगल स्लाइस ऑफ ब्रेड विच कैन बी अप्लाइड विद द ड्रेसिंग्स एंड देन टॉप्ड विद द टॉपिंग और फिलिंग्स ऑन इट। कि जो कोल्ड ओपन सैंडविच है वो कैसे बनाया जाता है, यानी सिंगल स्लाइस से बनाया जाता है ब्रेड। एक ब्रेड लेंगे और उसी को फोल्ड कर देते हैं, हम क्या करते हैं उसके अंदर ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। उस ड्रेसिंग को अप्लाई करने के बाद फिर उसमें टॉपिंग यानी ऊपर जो भी डालते हैं उसको टॉपिंग कहते हैं, और उसके बाद क्लोज करने के बाद वो सैंडविच एक ही पीस से बना हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं हम कोल्ड ओपन सैंडविच। ये दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, तो एक ही सैंडविच से बना हुआ, एक ही पीस से। देन फिर आता है हमारे पास कोल्ड क्लोज सैंडविच। ये कोल्ड क्लोज सैंडविच कैन बी मेड विद टू और मोर देन टू स्लाइस ऑफ ब्रेड। कि जो कोल्ड क्लोज सैंडविच है वो दो स्लाइस से बना हुआ होगा या दो से ज्यादा स्लाइस से बना हुआ होता है ब्रेड की। इट कैन बी सिंपल और विद कॉम्बिनेशन टू, ये सिंपल भी हो सकता है और इसके अलावा कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज सैंडविच आर कन्वेंशनल लंच बॉक्स सैंडविच, की जो कॉमनली लंच बॉक्स सैंडविच होता है वो होता है इसके अंदर। टी सैंडविच है जो हम दोपहर के टाइम खा सकते हैं, ठीक है। बफेट सैंडविच छोटे छोटे से पीसेज यानी कट लगा के हम बनाते हैं। डबल डेकर में तीन पीस यूज किए जाते हैं सैंडविच के। क्लब सैंडविच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वेराइटीज ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा फैंसी सैंडविच होता है, हॉट सैंडविच होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ हमें एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आप बचता है इसके अंदर कैनेप्स। द कैनेप्स आर नॉट सैंडविचेस बट दे आर द वन बाइट साइज पीस ऑफ डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस। जो कैनेप्स होते हैं वो सैंडविच नहीं होते हैं, लेकिन वो एक बाइट साइज के पीस होते हैं डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस के, यानी एक ब्रेड स्लाइस होगा, स्लाइस के ऊपर ही चीजें रखी हुई होती है, उसे डायरेक्टली खाया जा सकता है, यानी वन बाइट साइज पीस होता है कि एक ही बार में आप खा सकते हैं। सो इन द कैनेप्स द बेस हैज टू बी क्रिस्पी टोस्ट और सिमिलर आइटम। अब कैनेप्स में जो बेस होगा वो क्रिस्पी होना चाहिए ताकि उठाने में आसानी हो, ठीक है, क्रिस्पी टोस्ट हो या सिमिलर आइटम से बना हुआ हो। अ पीस ऑफ बिस्किट कैन बी यूज फॉर द बेस ऑफ कैनेप्स ऑल्सो। कि हम एक जो बिस्किट का पीस है उसको भी यूज कर सकते हैं कैनेप्स के लिए, ठीक है, कि कैनेप्स के जो एक बिस्किट का पीस है वो बेस में यूज करते हैं ताकि वो स्टिफ रहे। सो इट इज ऑफन सर्व ड्यूरिंग कॉकटेल आवर्स। की जो कॉकटेल आवर्स होते हैं इवनिंग में तब सर्व किया जाता है। और कैनेप कैन हैव द टॉपिंग ऑफ फिश चिकन हैम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑल्सो। यानी जो कैनेप होता है वो टॉपिंग्स होती है उसके अंदर, फिश होता है, चिकन हो सकता है, हैम यानी भेड़ वगैरह होती है ये इस तरीके का। फिर इसमें फ्रूट्स आ सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं कैनेप्स के ऊपर। ये दिखा रखे हैं इसमें, देखिए कि ये कैनेप्स होते हैं, इनमें सिर्फ एक छोटा सा नीचे पीस होता है सिंगल पीस, इनके ऊपर ये टॉपिंग्स बोल देते हैं जो ऊपर रखी हुई होती है, एक ही बार में हम इनको खा सकते हैं। द कैनेप्स आर जनरली सर्व ऑन ए कैनेप सॉल्वर एंड ईटन फ्रॉम अ स्मॉल कैनेप प्लेट। कि ये क्या करते हैं कि कैनेप सॉल्वर के ऊपर हम क्या करते हैं इसको सर्व किया जाता है, ये प्लेट से दिखाई दे रही है, एक छोटा सा प्लेट होती है जो कैनेप प्लेट कहते हैं, बहुत छोटी सी, उसके ऊपर रख के आता है और वहीं से खाते हैं। तो दिस चैप्टर विल हेल्प टू लर्न अबाउट द सैंडविच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सैंडविच। इस चैप्टर से आपने सैंडविच के बारे में पढ़ा, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें वो क्या था, ब्रेड था, स्प्रेड था, और इसके बाद में फिर फिलिंग थी। स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड, जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या समझा इसके अलावा और कैनेप्स के बारे में भी जाना। नेक्स्ट और लास्ट इसमें बचते हैं जो ये रिव्यूज क्वेश्चन है, जस्ट डू देम बाय योरसेल्फ, यू हैव टू रीड देम, पढ़िए इन सबको, ठीक है, पढ़ने के बाद में यू हैव टू आंसर देम बाय योरसेल्फ। तो प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सैंडविचेस, जो वेराइटी उसका चार्ट बनाना है, सबमिट द चार्ट टू योर टीचर फॉर असेसमेंट। इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं और ट्रू और फॉल्स बताना है आपको इसके अंदर। तो दैट्स ऑल फॉर द कंप्लीट यूनिट। थैंक यू एवरीवन।